नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे ही होंगे। मैं आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो बेबी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में। तो हर कोई चाहता है इतनी महंगाई में उनका जो बेबी हो वो अच्छी फैसिलिटी के साथ अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हो। तो स्पेशली आज की वीडियो उन्हीं पेरेंट्स के लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी कंपनी लेके आई हूँ जो आपका बेस्ट मैटरनिटी प्लान प्रोवाइड करती हैं। एक में आपको अच्छे से अच्छे फीचर्स मिलेंगे तो एक में आपको बेस्ट टाइम पीरियड मिलेगा। अब पूरा कंपैरिजन लाई हूँ दोनों प्लान के बीच में। पूरा कंपैरिजन चेक करने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी प्लान के साथ जाना है, कौन सी कंपनी के साथ जाना है और मेरा क्या रिकमेंडेशन होगा, ये भी आप वीडियो के एंड में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का कंपैरिजन। हम वुमेन केयर प्लान और जॉय प्लान की बात कर रहे हैं। प्लान टाइप के में बात करते हैं। इंडिविजुअल अगर लेते हैं वुमेन केयर में तो सिर्फ फीमेल ले सकती हैं, और जॉय प्लान में इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर दोनों हैं। वुमेन केयर में भी फ्लोटर आप ले सकते हैं हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। एडल्ट की एज होनी चाहिए 18 to 75 ईयर और जॉय में 18 to 65 ईयर है। अगर चाइल्ड की बात करें तो 91 डेज से 25 ईयर मैक्सिमम चाइल्ड इसमें रह सकता है और जॉय प्लान में 24 ईयर मैक्सिमम। लेकिन अगर डॉटर है तो वुमेन केयर प्लान में मैक्सिमम 30 ईयर्स तक की डॉटर भी प्लान के अंदर रह सकती है। सम इंश्योर्ड 5, 10, 15, 20, 25, 50, 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड वुमेन केयर में और 3 और 5 लाख का जॉय प्लान में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्री मेडिकल टेस्ट वुमेन केयर में कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। जॉय में अगर 45 से बिलो एज है तो नहीं होगा, 46 से या उससे अबव है तो बिल्कुल होगा। रूम रेंट 5 लाख पे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। 10 से 25 पे कोई भी रूम ले सकते हैं, सिर्फ स्वीट रूम नहीं मिलेगा, और 50 से 1 करोड़ पे कोई भी रूम ले सकते हैं। सिंगल प्राइवेट एसी रूम जॉय प्लान में मिलेगा। मदर कवर क्या है कि अगर 12 साल का बच्चा या बिलो 12 साल से कम का बच्चा अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आईसीयू में एडमिट है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उस टाइम पे मदर को हॉस्पिटल में ही एक्स्ट्रा रूम प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है उस टाइम तो नियरेस्ट किसी भी होटल में 2500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रूम प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका अमाउंट जो है कैशबैक के तौर पे दिया जाएगा। जॉय प्लान में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं हम डिलीवरी की। सबसे पहले मेन पॉइंट जो हमारा है, डिलीवरी कवर नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों चीज़ कवर हैं जॉय प्लान में भी, लेकिन लिमिटेशन के साथ होगी। आपके सामने लिमिटेशंस लिखी हैं, 5 पे 25,000, 10 से 20 पे 50,000, 25 से 50 पे 75 और 1 करोड़ पे 1 लाख। ऐसे ही आपकी जॉय प्लान में भी लिखी हुई है, 3 लाख पे 35,000 और 5 लाख पे 50,000 रुपये के। अगर न्यू बॉर्न होता है, जैसे डिलीवरी के बाद बेबी होता है, तो वो डे वन से कवर होगा पॉलिसी में। वुमेन केयर में 25% ऑफ सम इंश्योर्ड के हिसाब से कवर होगा, लेकिन जॉय प्लान में लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे 3 लाख पे 30,000 और 5 लाख पे 50,000 अमाउंट तक का। वैक्सीनेशन अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन वुमेन केयर में आपकी कवर होगी 1 साल तक के बच्चे की, 2500 रुपये आपका 5 से 10 लाख की पॉलिसी में, 15 से अबव की पॉलिसी में 3500 रुपये के अराउंड। जॉय प्लान में वैक्सीनेशन का कवर नहीं है। अब डिलीवरी वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। स्टार हेल्थ में 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 साल का डिलीवरी वेटिंग पीरियड है, और 15 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 1 साल का वेटिंग पीरियड है। वहीं केयर अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें जॉय प्लान की, तो 3 लाख या 5 लाख दोनों ही सम इंश्योर्ड पे 9 मंथ की भी कवर होगा और 2 साल का भी कवर होगा। लेकिन अगर आप 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1 साल का ही प्रीमियम पे करना है। लेकिन अगर 9 मंथ का कवरेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो मैटरनिटी है, डिलीवरी है, वो 9 महीने बाद ही कवर हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको 3 साल का लमसम एक साथ 3 साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा होता है। मैं अभी आपको प्रीमियम का भी स्लैब दिखा देती हूँ। साथ ही साथ ये प्रीमियम का स्लैब होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं केयर जॉय का प्रीमियम स्लैब क्या जा रहा है। 9 महीने का अगर आप लेते हैं तो क्या प्रीमियम स्लैब रहेगा, और वहीं पे अगर आप स्टार वुमेन केयर का प्लान लेते हैं तो क्या प्रीमियम स्लैब रहेगा। अब ये देखिए, आप प्रीमियम चेक कर सकते हैं इसमें। इसमें प्रॉपर आपको दिखा रखा है कि 9 मंथ में कितना प्रीमियम रहेगा और 24 मंथ के हिसाब से कितना प्रीमियम रहेगा, 5 लाख और 3 लाख पे। वहीं पे अगर मैं स्टार वुमेन की बात करूं तो उसका भी प्रीमियम मैंने शो कर रखा है कि 2 साल की पॉलिसी लेते हैं, 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी है तो कितना प्रीमियम रहेगा और 1 साल की में कितना प्रीमियम। ये एज है 30 इयर्स, 30 इयर्स के अकॉर्डिंग मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया है, तो वो चीज़ चेक रखिएगा, ठीक है। प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर एज ऊपर नीचे होती है तो।
इसके बाद अब बात करते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। आजकल के टाइम पे IVF ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग करवा रहे हैं क्योंकि मैटरनिटी में प्रेगनेंसी में बहुत सारे इशू आ रहे हैं इस वजह से। तो ये अगर इसमें है तो आपका वुमेन केयर में कवर हो सकता है। 3 साल के बाद लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड कवर हो जाएगा। जॉय प्लान में ये फीचर नहीं है। प्रेगनेंसी केयर एक फीचर है। प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत सारे काउंसलिंग ऑब्जर्वेशन इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है मदर को बेबी के लिए, बेबी की हेल्थ के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो उसका भी कंपनी एज अ OPD कवरेज काउंसलिंग के लिए आपको प्रोवाइड कर रही है कंसल्टेशन का, ठीक है। 5 से 15 लाख की पॉलिसी में 2500 रुपये पर ईयर के हिसाब से, 20 से 1 लाख की पॉलिसी, 1 करोड़ की पॉलिसी में 5000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। जॉय प्लान में ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मिसकैरेज, खुदा ना खास्ता कल को कोई मिसकैरेज होता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसका भी कवरेज लिमिट एज पर सम इंश्योर प्रोवाइड करेगी कंपनी वुमेन केयर में। जॉय प्लान में ऐसा कोई फीचर नहीं है। वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन भी आपका प्रोवाइड करेगी, नसबंदी जिसको बोलते हैं, वुमेन को अगर करवानी है तो वो चीज़ भी कवर करेगी, लेकिन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद कवर होगा लिमिट एज पर सम इंश्योर। पेमेंट, को पेमेंट भी कंपनी कवर कर रही है इसमें। को पेमेंट अगर होता है कि कुछ पैसा कंपनी पे करती है, कुछ पैसा आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ क्लेम, तो वुमेन केयर में कोई को पेमेंट नहीं लग रही, लेकिन जॉय प्लान में 20% की को पेमेंट लगेगी एवरी क्लेम फ्री ईयर। एवरी क्लेम, हर क्लेम पे 20% की लगेगी 61 या उससे अबव की अगर पॉलिसी लेते हैं तो। ये वैसे बताना बेकार ही है क्योंकि ये स्पेशली मैटरनिटी प्लान है, तो 60 से ऊपर में तो कोई लेगा ही नहीं पॉलिसी। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग बेसिकली जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए होता है विटामिन्स वगैरह चेक करने के लिए। तो 3500 रुपये प्रोवाइड करेगी साल में एक बार वुमेन केयर पॉलिसी में। जॉय प्लान में ये फैसिलिटी नहीं है। पीडियाट्रिशियंस की कंसल्टेशन का भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, 4 कंसल्टेशन पर ईयर, 1 साल में 4 कंसल्टेशन देगी 12 साल तक के बच्चे के लिए, बिलो 12 ईयर्स तक के बच्चे के लिए कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। OPD कवर होगा लेकिन केवल फीमेल्स का होगा। अनलिमिटेड गायनेकोलॉजिस्ट विजिट होंगी, आप कितने भी साल में ले सकते हैं, ये OPD फ्री होगी इसके लिए फीमेल्स के लिए, अनलिमिटेड, कोई चार्जेस नहीं होगा, मतलब कोई लिमिट नहीं लगी है इसमें। जॉय प्लान में ऐसी कोई विजिट नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं है। हेल्थ चेकअप, पूरे साल में एक हेल्थ चेकअप मिलेगा आपको लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड। इसमें आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं फीमेल, जो बहुत फीमेल्स को ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी। जॉय प्लान में नहीं होगी ये फैसिलिटी। इन यूट्रो फेटल सर्जरी भी होगी कई टाइम पे, बॉम्ब में बेबी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वहीं पे सर्जरी करवाने के, ये कुछ सर्जरी के नाम दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी बेबी की, ये सर्जरी भी करवा सकते हैं खुदा का हास्ता कभी अगर ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो। जॉय प्लान में ये फैसिलिटी नहीं है। वुमेन केयर में बात करते हैं, वुमेन अब इसमें डे केयर की बात करते हैं। डे केयर, ये नॉर्मल फीचर्स हैं, डे केयर आपका दोनों प्लान में मिलेंगे। नो पेबल आइटम, नॉन पेबल आइटम्स होते हैं जैसे कॉटन सीजर, ग्लव्स वगैरह, एक्स्ट्रा इसके 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा अपनी जेब से पे करने पड़ते हैं, यहाँ आपको वो भी नहीं पे करने, वो भी कंपनी पे करेगी। जॉय प्लान में ये फैसिलिटी नहीं है। रोड एम्बुलेंस, एक्चुअल अमाउंट जितना भी खर्चा होगा रोड एम्बुलेंस का सारा कंपनी पे करेगी। जॉय प्लान में 1000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से पे किए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस 10 लाख से अबव की पॉलिसी पे किया जाएगा, ठीक है। जॉय प्लान में फैसिलिटी नहीं है। प्रीयर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज पहले के और 90 डेज बाद तक के कवर होंगे जॉय प्लान में। एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ये मैटरनिटी से रिलेटेड 60 डेज 90 डेज नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। नॉर्मल किसी भी बीमारी से रिलेटेड 60 डेज पहले के और 90 डेज बाद तक के जो खर्चे होंगे वो कवर होंगे। ऑर्गन डोनर अप टू द सम इंश्योर्ड कवर होगा। आयुष ट्रीटमेंट अप टू द सम इंश्योर्ड कवर होगा। जॉय प्लान में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कुछ बैरियट्रिक सर्जरी। मोटापा अगर हो जाता है जैसे प्रेगनेंसी के बाद कई बार बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो उस चीज़ के सिनेरियो में भी अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है जो हेल्थ पे इशू पड़ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड करा सकते हैं डॉक्टर रिकमेंडेशन पे। रिस्टोरेशन, अगर आपका साल में आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो गया और एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत है तो कंपनी वो भी आपको 100% प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जॉय प्लान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। नो क्लेम बोनस, पूरे साल कोई क्लेम नहीं करते तो 20% पहले साल और मैक्सिमम 100% तक आपको दिया जाएगा जॉय प्लान में। ये नो क्लेम बोनस जो है ऑप्शनल बेनिफिट, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करके तब आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। शेयर अकोमोडेशन, हॉस्पिटल में अगर एडमिट होते हैं 7 दिन से ज़्यादा, हॉस्पिटलाइजेशन होता है और अपना रूम जो है वो शेयर करते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो कंपनी 2000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पे करेगी 24 घंटे के बाद से। जॉय प्लान में नहीं है। रिहैबिलिटेशंस और पेन मैनेजमेंट आजकल दिया जा रहा है कुछ बीमारियों के लिए जैसे पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, डिजीज ऑफ स्पाइन, स्ट्रोक, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। जॉय प्लान में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कॉमन वेटिंग पीरियड्स के बारे में। स्टार हेल्थ में फ्रेश इलनेस 30 दिन के बाद कवर होगी, एक्सीडेंट 24 घंटे के बाद से ही कवर हो जाता है। स्लो ग्रोइंग जैसे स्टोन पाइल्स, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये 2 साल के बाद कवर होगा। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है ये भी 2 साल के बाद कवर होगी पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी हो तो।
केयर हेल्थ इंश्योरेंस जॉय प्लान में फ्रेशनेस सीजन के बाद, कॉमन एक्सीडेंट 24 घंटे के बाद, स्लो ग्रोइंग डिजीज 2 साल के बाद, ये सभी में सिमिलर होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 4 साल का वेटिंग पीरियड होगा, यानी पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई और बीमारी होती है तो वो 4 साल के बाद कवर होगी। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंपैरिजन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो मैं आपको नीचे आपको एक नंबर शो कर रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। आपको अगर पॉलिसी बाय करनी है तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे थ्रू पॉलिसी बाय कर सकते हैं। आपको बेस्ट सर्विस और बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो काम की नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी ना किसी को इस वीडियो इस प्लान की जरूरत हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि एक जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।